सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो भी कैंडिडेट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो फ्रेंड्स जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है, कितना आपको जीरोक्स लेकर जाना होगा, कितना आपको फोटो लेकर जाना होता है, कौन सा आपको फोटो लेकर जाना है, ये सारा चीजें आज की वीडियो में डिटेल्स करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी यूजीएससी का काउंसलिंग चल रहा है, यानी कि चॉइस फिलिंग, इस पर मैंने वीडियो बना के बता दिया था। जो स्टूडेंट जो ऐसा फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं था, जो पेड काउंसलिंग नहीं लिए थे, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो भी बना दिया हूं, तो वो देख लेना। कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए मैं नीचे बता दिया था, तो आप वो देख लेना। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि 24 तारीख तक आप लोग का चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद आपको 30 तारीख को यानी 30 जुलाई को आपको फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिला है। तो आपको मैं बता दूंगा, जैसे रिजल्ट आता है तो सारा अपडेट मैं बताता रहूंगा जब तक आप लोग का एडमिशन न हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले रहना, ताकि आपको सारा अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अभी मैं बता देता हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजीएससी का 2023 के लिए, कि जो भी कैंडिडेट 2023 में एडमिशन ले रहे हैं बिहार इंजीनियरिंग में, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ताकि आपको कहीं पर किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, सारा चीजें मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैं अभी छोटा कर लेता हूँ इसको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स 2023। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने रखा हूँ अलॉटमेंट लेटर। तो अलॉटमेंट लेटर आपको यूजीएससी का होना चाहिए। जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा 30 तारीख को, तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, वो आपको लेकर जाना होता है, और वो आप प्रिंट आउट निकाल के उसका भी 3 जीरोक्स करना है। ओके, 3 जीरोक्स करा लेना है, और एक अपने से भी करा सकते हो, जो 3 हो गया तो एक 4 हो गया, तो 4 आप लेके जाना, एक ओरिजिनल हो गया, 3 जीरोक्स करा लेना, तो 4 हो गया। सेकेंड है पार्ट ए एंड ऑनलाइन फिल फॉर्म ऑफ यूजीएससी। तो आपको जब पार्ट ए पार्ट बी, आपको जब हार्ड कॉपी यूजीएससी का जब रजिस्ट्रेशन और अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी हार्ड कॉपी निकला होगा, उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, उसका भी आप 2 जीरोक्स करवा लेना है, यानी सारा डॉक्यूमेंट्स पार्ट ए पार्ट बी का। ओके, थर्ड में है कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। ये क्या होती है? बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आपको लेती है कॉलेज, जो कि आपको फ्रेंड्स आपको ऑफिशियली डाउनलोड करना होता है। अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है आप लोग का, जब तक सीट अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक बायोमेट्रिक और एक फोर्थ नंबर में देख सकते हो कि चेक स्लिप, ये दोनों जो होता है आपको कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करना होता है, वो बायोमेट्रिक लगता है, ताकि वही एक्चुअली में जो भी कैंडिडेट एडमिशन ले रहे हैं एक्चुअली में वही है कि दूसरा है, इसीलिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट होता है। और चेक स्लिप इसलिए भराया जाता है ताकि सारा चीज आपको इन्फॉर्मेशन वहां पता हो और उसे सबमिट किया जाता है। तो चेक स्लिप और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट जो है डाउनलोड करना होगा। मैं डाउनलोड करके आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा जैसे ही आता है, तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको सारा चीजें वहीं से मिलता रहेगा। फिफ्थ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10th के मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो 10th का मार्कशीट तो होगा आपको ऑब्वियसली होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होगा। ओके, तो ओरिजिनल के लिए आपको वहां पर प्रोविजनल आपको लेके आना होता है। उसके बाद 12th का मार्कशीट है और 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, इसका भी आपको ओरिजिनल नहीं होगा, मार्कशीट होगा, तो ओरिजिनल के जगह पर आप प्रोविजनल यूज कर सकते हैं और लेके आना। ओके, उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हो कि एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेन। तो एडमिट कार्ड आपको जेई मेन्स का लेकर आना होगा। तो बहुत से स्टूडेंट हैं तो बोलते हैं कि भैया मुझे तो सेंटर पर ही रख लिया गया है एडमिट कार्ड को, तो फ्रेंड्स आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके वही लेकर आना है। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर सबमिट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड कर लेना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालकर। उसके बाद है कि आपका रैंक कार्ड ऑफ जेई मेन्स। ओके, तो रैंक कार्ड आपको मिला होगा कि ऑल इंडिया रैंक कितना आपको आया है, कैटेगरी में कितना आया है, तो रैंक कार्ड ऑफ जेई मेन्स और सभी के, मैं जितना भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ सभी के 3 से 4 आप जरूर जीरोक्स करा लेना। फोटो हो, फोटो आपको जो भी आप जेई मेन्स में डाले हो, जो भी आप यूजीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में डाले हो, उसको आप 8, 9
जाकर अभी ही फोटो को क्लियर कर लो, फोटो बनवा लो, ओके। उसके बाद है आपका रैंक कार्ड ऑफ यूजीएससी। तो अभी आपको पता है कि अभी यूजीएससी का रैंक कार्ड भी निकला है, तो उसको आप तीन आप जीरोक्स करवा लेना, एक तो ओरिजिनल रहेगा ही और तीन और प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसके बाद है रेसिडेंशियल और इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों आपको लेटेस्ट होना चाहिए, 6 मंथ के पहले आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो आपके लिए वैलिड रहेगा अन्यथा इनवैलिड रहेगा, तो इसको ध्यान में रखकर करना। उसके बाद आपको पता है कि सीएलसी और टीसी, ओके, यहाँ पर आपको सीएलसी है जो कि आपको कॉलेज से मिलता है, स्कूल से मिलता है और लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड, ओके। तो आपको कहाँ से मिलेगा, आपका जो भी कॉलेज हो गया, स्कूल से पास आउट किए होंगे 12th, वहाँ से आपको सीएलसी एसएलसी और टीसी मिलता है, वो लेके आना। उसके माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और करेक्टर सर्टिफिकेट है, तो दोनों आपको लेकर आना होता है, वो आपको कॉलेज ही देती है करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कहीं कहीं पर आपको उसी में करेक्टर सर्टिफिकेट ऐड किया जाता है कि गुड है या वेरी गुड, आप अच्छा आचरण उसी को बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये आपको डॉक्यूमेंट, कि ये आपको रहना ही चाहिए, ये सब नहीं रहता है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, तो ये आप डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट बना लीजिए। और था कि मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैंगी सर्टिफिकेट कहाँ से बनेंगे, ईयर गैप सर्टिफिकेट, तो वो सब नहीं भी रहता है फ्रेंड्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, खाली आपको ईयर गैप सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर जाइएगा वकील के पास, आपका जो भी नज़दीकी में जहाँ पर रसीदी चीज़ें होती है, जमीन रसीदी, वहाँ पर जाइएगा तो आपको बना देगा। लेकिन आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट है और एंटी रैंकिंग है, आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद आपको सारा बनाना होता है, क्योंकि वहाँ का फॉर्मेट मिलता है कि इस कॉलेज का आप लेके जाइए और वहाँ पर जो भी सदर हॉस्पिटल रहेंगे वहाँ पर चेकआउट करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन वहाँ पर लिख देगा, सिग्नेचर मोहर मार देगा, तो फिर उसको आपको लेकर आना होता है। तब जब तक आप लोग का सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो एंटी रैंकिंग और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। ये था बहुत सा स्टूडेंट का डाउट था, तो मैं क्लियर कर दिया। तो ये सारा चीज़ें था आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, और ये आप लोग का बनवा लेना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी आप लोग का काउंसलिंग चल रहा है, आप लोग काउंसलिंग अच्छे से कीजिए ताकि आपको अच्छे से कॉलेज मिल सके, अच्छे ब्रांच में, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो ये सारा चीज़ें हैं, और आगे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले रहिए, सारा अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।